पक्का सोच रहा है कि मेरा बाप पूरा का पूरा पगला गया, क्योंकि मैं एक बात बताता हूँ भाई, बहुत लोग जानते हैं। थोड़ा सब अब उठना पड़ेगा जल्दी, सब उठ सब सही में उठना पड़ेगा यार। अरे अपने बाप, अरे बाप। साढ़े आठ बजे का हम अलार्म लगा के सोए थे, अभी 12:14 हो रहा है। ऐसा दिन होता है यार, है ना, अलार्म हम सुन भी नहीं पाए, सुन ही नहीं पाए, मतलब अलार्म सुने, स्विच ऑफ ऐसा भी नहीं, एकदम सुन ही नहीं पाए। उठे तो लगता है करीब 10:30 बज गया था, तो तैयारी किए, ब्रेकफास्ट किए और ये सब है ना करके अभी 12:15 हो गया अभी। एनीवेज फिर भी जो दिन है वो दिन है ना, स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो आज का प्लान बताते हैं। आज मोस्टली हम घर पे ही रहेंगे, मोस्टली हम घर पे ही एडिटिंग कर रहे होंगे। इस हफ्ता सैटरडे एक वीडियो निकल रहा है, अपने दोस्त के साथ हम फिल्म किए थे, कोरियन दोस्त है मगर वो भी गजब का हिंदी बोलता है। और दूसरा वीडियो वो भी सैटरडे ही में शायद निकल जाएगा, सैटरडे तक निकल जाना चाहिए। म्यूज़िक वीडियो बना रहे हैं, नया गाना निकल रहा है यार गाइस, नया। तो हाँ, वो दो एडिटिंग हो गया, दो मेन चीज़ आज के लिए, दो मेन चीज़। उसके बाद बीच में हम सोच रहे हैं कि यार थोड़ा सा Q&A किया जाए, थोड़ा सा Q&A आप लोग से। एक्चुअली आपको याद होगा हम एक रील बनाए थे जिसमें हम कहे थे कि आप लोग क्वेश्चंस लिखिए, जिसमें सबसे ज़्यादा लाइक्स होगा उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। तो वो वीडियो अभी बाद में बनेगा, लेकिन उसके अलावा भी जो छोटा मोटा क्वेश्चंस था ना जिसका हम तुरंत जवाब दे सकते हैं, वो सबका हम आज सोच रहे हैं कि आज थोड़ा सा Q&A करेंगे। और वोकल प्रैक्टिस तो मेन, वो तो चलेगा ही। और हाँ दोस्त लोग, एक्चुअली हम हर हफ्ता इस तरह से व्लॉग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली दो हफ्ता हो चुका है बनाए हुए। शुरू में सोचे थे कि हम डेली बनाएंगे, ठीक है, लेकिन पहला दिन हम ट्राई किए, फट के हाथ पे आ गया। तो उसके बाद हम सोचे कि ना भाई डेली, बाप रे बाप कैसे डेली व्लॉगर्स बना लेते हैं, हमको मालूम नहीं। लेकिन मेरे वीडियो प्रोडक्शन एक्सपीरियंस से अभी डेली व्लॉग बनाने में मेरा हालत ख़राब हो जाएगा, तो वीकली कम से कम वीकली, है ना। दो मेन कारण है ये बनाने का। पहला कारण ये है कि वीकली वीडियो बनाने से हमको भी है ना अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करने में प्रैक्टिस होते रहेगा, मतलब प्रैक्टिस के लिए वीडियो एडिटिंग, स्टोरी स्ट्रक्चर बनाना और है ना फलाना फिल्मिंग एंड ऑल वट एवर कम्स इन टू वीडियो प्रोडक्शन, उसका एक्सपीरियंस बढ़ाना और प्रैक्टिस करना, स्किल क्राफ्ट इम्प्रूव करना। दूसरा कारण ये है कि वीडियो लॉग का मतलब क्या है। वीडियो लॉग है ना, हाँ वीडियो लॉग का मतलब वीडियो लॉग हो गया, और लॉग का मतलब है रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटिंग, है ना। वो बहुत बड़ा कारण है, काहे कि आप लोग सब जानते ही हैं, मेरा सपना है अच्छा गाना गाना, बवाल गाना गाना और अरमान मल्लिक जी के साथ एक बार गाना गाना कभी, और हमको विश्वास है कि वो सपना पूरा होगा, वो यार उसमें कोई शक नहीं है, अनलेस आई गिव अप, ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है, होगा ही होगा, लेकिन कैसे होगा उसके बारे में हम डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाहते हैं, ताकि बाद में जब वो दिन आए, है ना, हम पास्ट में जाके देख सके कि अच्छा ऐसा मोमेंट्स था। क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि कोई खास इंसान ही अपना गोल अचीव नहीं करता है, हर कोई आदमी कर सकता है। इट्स ओनली दैट द डिसीजंस दे मेक इन लाइफ एंड दैट डिसीजंस दैट आई मेक इन लाइफ आई वांट टू डॉक्यूमेंट, ठीक है, ताकि आप लोग भी, हम बताना
हम दुनिया को बताना चाहते हैं और आप लोग को बताना, आप लोग से शेयर करना चाहते हैं कि यार कोई भी अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो आप कर सकते हैं यार, कर सकते हैं, यू हैव ऑल द पावर, है ना। पॉजिटिव वाइब्स देना चाहते हैं, है ना, मोटिवेशन जिसको कहते हैं, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, पॉजिटिव वाइब्स, वो सब मेरे वीडियो में हम चाहते हैं कि हो, और हम भी ऐसा लाइफ जीना चाहते हैं। तो यही कारण है, मतलब यही मेन कारण है। एनीवेज, ज़्यादा ज्ञान फेंकना नहीं चाहते हैं, पहले 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 म्यूजिक वीडियो ट्राई करते हैं एडिट करने का। आज जितना वीडियो एडिटिंग एंड फिल्म पगला गए, कहाँ जाए, मार हो गया लगता है। एनीवेज, आज जितना फिल्मिंग वगैरह करना था सब हो गया है ख़त्म। एडिटिंग जो करना था आज के लिए, जितना करना था हम कर लिए। गाना वाना जो मूवी म्यूज़िक वीडियो बना रहे थे वो फिनिश हो गया है, फिनिश नहीं हुआ है, मतलब आज के लिए जितना करना था वो हो गया है। और नया वीडियो जो सैटरडे को हम अपलोड करने के लिए सोच रहे हैं वो भी आज के लिए फिनिश, ख़त्म, ठीक है। यही बंदा है, मस्त बंदा है, बता रहे हैं यार, बहुत सही लड़का है। इसके कहानी पे बेसिस पे हम इस बार का वीडियो बना रहे हैं, तो ऑल पूरा कम्प्लीटली इसके बारे में इस बार रहेगा। लेकिन सही में ये जो बंदा है, मतलब एक मिनट, ये इसका प्रोफाइल है, ठीक है। अभी लगता है 1.5 महीना करीब कम से कम कर रहा है, ऑलरेडी 12.3K। अरे यार फोकस कैसे होगा यार, ये मालूम नहीं है, 12.3K है, ठीक है। आगे बहुत बहुत कमाल करने वाला है ये लड़का, पक्का एकदम गर्दा उड़ाने वाला है, वो होता है ना गर्दा, मस्त बनता है। मैंने ये भी अपने अपने तरह इंडिया में अपना लाइफ गुजारा है और इसका ये बहुत कमाल का स्टोरी है। कल हम इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक बात शेयर किए थे, आज मेरे लिए बहुत प्राउड वाली मोमेंट थी आज, उसके बारे में कल के व्लॉग में बताएंगे। मालूम नहीं आप लोग को मालूम है कि नहीं, लेकिन मेरा यूट्यूब पे एक मेंबरशिप है, मेंबरशिप चला रहे हैं हम, वहाँ आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हर हफ्ता हम लाइव सेशन चलाते हैं ओनली फॉर मेंबर्स, और यही सोच के स्टार्ट किए थे कि यार एक कम्युनिटी बनाएंगे, पैशन ड्रिवन, पॉजिटिव माइंडेड, लाइक माइंडेड लोगों के साथ एक कम्युनिटी बनाएंगे, ताकि हम लोग साथ में एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। और हमको लगा था कि काफ़ी लाभदायक है, लेकिन एक महीना करते करते मैं 4 मेंबर्स ज्वाइन किए, जिसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं, बहुत बहुत इनकरेजमेंट मिलता है हमको उससे। लेकिन फिर भी यार एक महीना के दौरान 4 बहुत कम बार लोग पार्टिसिपेट किए थे लाइव स्ट्रीम के दौरान, तो हम सोचे यार कि मे बी इससे वैल्यू नहीं मिल रहा है, मे बी लोगों को उतना मतलब लाभ महसूस नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम बात शेयर किए थे अपने लाइव स्ट्रीम में, लेकिन कोई एक मेंबर इस बात को सुन के हमको लंबा चौड़ा एक ईमेल भेजी, ऐसा लंबा चौड़ा ईमेल आया था, और मतलब इसमें वो यही बता रही थी कि कितना इनकरेजमेंट मिलता है उनको और इंस्पिरेशन मिलता है मेरे कंटेंट के द्वारा। हमको इनकरेज कर रही थी कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत इंस्पायरिंग है, मोटिवेशनल है, मतलब इस तरह से। और ये लंबा चौड़ा मैसेज देख के हमको लगा कि नहीं यार, मतलब जो मेंबर्स है, जो लोग आए हैं हमको सपोर्ट करने के लिए, भले ही वो लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी वो सपोर्ट कर रही हैं अपने पूरे दिल से, तो हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि यार ये मतलब मेंबर्स नहीं बढ़ रहे हैं तो ये काम नहीं कर रहा है ना। जितने मेंबर्स हैं वो लोग मेरे लिए बहुत बहुत प्रेशस है यार, बहुत, है ना। तो यही सोच के हम सोचे कि नहीं यार, ये मेंबरशिप किसी भी हाल में जब तक लोग यहाँ पे हैं, एक भी आदमी हो, तब तक कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू एवरी वीक हम लाइव स्ट्रीम करेंगे जहाँ पे कि हम लोग बातचीत कर सकें, ठीक है। वही सोच के हम लगातार कर रहे थे, लेकिन कल एक और मेंबर ज्वाइन की, एंड शी एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन द गूगल मीट, एक्चुअली इन पर्सन हमारा बात हुआ,
लाइव स्ट्रीम के दौरान, हम थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, लाइव स्ट्रीम के दौरान हम गूगल मीट लिंक भी शेयर करते हैं ताकि एक्चुअली में ज्वाइन करके हम लोग बात कर सकें। तो उनसे बात करके इतना कुछ हमको खुद सीखने मिला यार, उनके कहानी से इंडिया में कैसे सिचुएशन, मतलब इंडिया में वो क्या करती हैं, इंडिया के कॉलेज लाइफ के बारे में वो सब हमको जानने के लिए, क्योंकि हम यार क्लास 1 से 12 तो कंप्लीट किए हैं, उसके बाद का इंडिया के लाइफ के बारे में हमको उतना नहीं मालूम है। कॉलेज लाइफ कैसा है, जॉब लाइफ कैसा है, वहाँ पे लोग किस तरह के तनाव से जीते हैं, है ना, वो सब चीज़। और ऊपर से उनके बात के कारण, इनके बात के द्वारा हमको बहुत बहुत इनकरेजमेंट मिला यार। सबसे बड़ा इनकरेजमेंट ये था कि वो बोली कि इट फेल्ट लाइक कि आई वॉज जेन्युइनली ट्राइंग टू गिव वैल्यू एंड हेल्प अदर्स, है ना, एक जेन्युइन कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, आई डोंट वॉन्ट टू ब्रैग अबाउट माई सेल्फ इन दिस वीडियो, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर्पस नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब बहुत प्राउड मोमेंट था। और ये डिटर्मिनेशन खड़ा हुआ कि यार कुछ भी हो जाए मेंबरशिप कंटिन्यू रखेंगे, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं आएंगे, जितना वैल्यू हम दे सकते हैं देंगे, बस कहानी ख़त्म। रोना धोना नहीं है कि लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये सब नहीं, बस जितने आदमी को हम हेल्प कर सकते हैं बस हेल्प करना है, बस कहानी ख़त्म, है ना। यस, तो आज के Q&A के बारे में थोड़ा सा बात किया जाए। दिख रहा है 1000 something कमेंट, 1300 से ज़्यादा कमेंट डला है, इसमें से सिर्फ एक करना कानून हो गया, नहीं मतलब गुनाह हो गया। तो वही हम सोचे कि जितना मतलब हम कर सकते हैं, जितना मतलब छोटा मोटा क्वेश्चन है ना जिसको जल्दी जल्दी जवाब दे सकते हैं, वो सबका जवाब आज देते हैं थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन आम एंड बासिल भाई से आया है। आम भाई, आपको हम पर्सनली सिखा देंगे, यहाँ यूट्यूब पे हम नहीं सिखाना चाहते हैं, अपना ही भाई है, अपना जान पहचान। व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट टुवर्ड योर वर्क और एनीथिंग? आई जस्ट डू इट यार, जस्ट डू इट। JDI, मेरे मेंबरशिप का नाम है JDI कैफे, और नाम रखने का कारण ये है, जस्ट डू इट इज द मोटो। JDI, just do it. You just have to do it, यार। मतलब कुछ सोचना वोचना नहीं, बस करना है, बस बैठना है, बैठ जाना है किसी भी हाल में, है ना, अपना पिछवाड़ा चिपका देना है बस चेयर पे। Teach Korean from Hindi and in your vlog do challenges. Agdas, I am actually planning. Actually, मालूम है? Because I have been receiving high demand for this. एक करिकुलम बनाने का हम कोशिश कर रहे हैं। हम प्रोफेशनल कोई टीचर नहीं है, कोरियन लैंग्वेज के कोई प्रोफेशनल नहीं है, मगर फिर भी हमको बोलने तो आता है ना, तो हम सोचे कि यार ऐसे कोई लोग होंगे जिसको हम हेल्प कर सके कोरियन भाषा, एटलीस्ट बेसिक्स, मतलब अपना इंट्रोडक्शन देना एंड किसी के साथ बेसिक बात करना, उतना तो हम हेल्प कर पाएंगे। तो उसके लिए हम एक कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो भी आने वाले दिनों में। इसके ऊपर भी हम एक प्रॉपर वीडियो बनाना चाहते थे, हमको लगा था यही कॉमेंट जीतेगा, यही कॉमेंट सबसे ज़्यादा था, और अचानक से एक और कमेंट आया जो कि एकदम पार कर दिया था, 2000 लाइक्स उसको लगता है मिल गया था। तो हाँ यार, कोरियन शादी के बारे में हम ये हम शायद एक बार कोशिश करेंगे इसके बारे में बनाने का ज़रूर। आई वॉन्ट टू नो अबाउट कोरियन मेन्स एंड वुमेन्स हेयर सीक्रेट। इन ऑल के ड्रामाज द हीरोज हैव ब्यूटिफुल शाइनी वेल वॉल्यूम हेयर, ऑल ऑफ देम हैव पोपो बनर्जी। आई वेंट टू अ हेयर सलॉन अ फ्यू डेज अगो, ठीक है, एक हेयर सलॉन गए थे वहाँ पे बाल कटवाने के लिए, और वो बोल रहे थे हमको कि यार आपको वॉल्यूम पर्म की क्या कौची है, वो टेक्निक है शायद, हेयर स्टाइलिंग का टेक्निक आपको वो करना चाहिए, क्योंकि मेरा हेयर अभी देख रहे हैं बहुत ही मतलब ड्राई सा, सिल्की नहीं है मेरा हेयर, लेकिन वो कह रहे थे कि वो करने के बाद एकदम बाल सिल्की हो जाता है, जैसे नहीं होता है ऐसे बाल ऊपर ऐसे झाड़ेंगे तो पूरा एकदम, है ना, हेयर पूरा हीरोइन टाइप हीरो टाइप का हो जाता है। तो हाँ, टू आंसर योर क्वेश्चन, टेक्निक एंड हेयर प्रोडक्ट्स वगैरह, टेक्निक एंड हेयर प्रोडक्ट्स वगैरह लगाते हैं लोग, पैसा खूब देते हैं, बहुत महंगा होता है लेकिन खूब पैसा इन्वेस्ट करते हैं लोग, ऐसे ही उनका बाल ऐसा नहीं हो जाता है। अगर इंडिया के लोग कोरिया जाए तो कोरियंस का क्या रिएक्शन होगा? ए जी, इंडिया से हैं का, ऐसा रिएक्शन तो नहीं होगा, लेकिन कुछ खास रिएक्शन नहीं होगा यार, मतलब कुछ खास रिएक्शन नहीं होगा। BTS के फैमिली और उनके घर दिखा दो। अच्छा, BTS के फैमिली और मतलब पूरे BTS से और उनका घर देखना है ना, एक मिनट थोड़ा फ़ोन लगा के देखते हैं, मे बी शायद मौका मिल जाए ना, मे बी थोड़ा सा, जोंगकुक का अपना ही बंदा है तो बात करते हैं, एक मिनट बस। अपना ही बंदा है जोंगकुक वो अपना ही बंदा है, कोई वो उठा लेगा फोन, उठा लेगा शायद, है ना, एक मिनट कॉल करता।
हाँ हेलो। हाँ अच्छा, जॉन कुकवा से बात हो सकता है क्या अभी? आए, अच्छा रॉन्ग नंबर है। ओके ओके, कोई बात नहीं। सोचे थे बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे आज, लेकिन उस स्टूडियो में ऑक्यूपाइड था वो स्टूडियो ऑलरेडी, कोई और यूज़ कर रहा था आज, हमको मालूम नहीं था। पहले पता करके जाना चाहिए था लेकिन मालूम नहीं था, कोई बात नहीं, आज का दिन यहीं तक रहने देते हैं। एडिट करने अब बैठेंगे, बढ़िया ही है, जल्दी एडिट करने मिलेगा। अभी 8 बज रहा है, 8:30 बज रहा है। तो ओके, टुडे इज़ फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेशन आई गेस। सुबह से ही लेट उठे और होता है यार, ऐसा दिन होता है ना, हर बार अपने चाह के अनुसार दिन नहीं बीत सकता। गुड बाय, गुड नाइट।